इंदौर अहिल्या उत्सव समिति और महानगर विकास परिषद द्वारा इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी का सम्मान किया गया। इस दौरान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी की जानकारी दी। वहीं इंदौर सीट पर भाजपा को सर्वाधिक मतों से विजयी बनाने की रणनीति बनाई। देखिए यह रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंदौर अहिल्या उत्सव समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। उसी कड़ी में समिति कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को पार्टी द्वारा दूसरी बार टिकट दिए जाने पर सम्मानित किया गया। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी दिलाने की रणनीति बनाई। इस दौरान समिति के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए बूथ पर सक्रिय रहकर काम करने की बात कही गई, जिसको लेकर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक डागा ने जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। आज अहिल्या समिति इंदौर और महानगर विकास परिषद इंदौर ने शंकर ललवानी जी के स्वागत का कार्यक्रम रखा है। शंकर ललवानी जी अहिल्या उत्सव समिति के कार्यकर्ता के रूप में हमने उनको बुलाया है। छोटा सा भी कार्यक्रम हो तो बराबर अहिल्या उत्सव समिति के कार्यक्रम में वो, और शोभा यात्रा समिति के 4-5 साल से प्रमुख हैं, वही कार्य देखते हैं। तो और महानगर विकास परिषद में भी एक कार्यकर्ता के रूप में वो सम्मिलित होते हैं, तो हमने आज उन्हें अहिल्या उत्सव समिति के कार्यकर्ता को पुनः सांसद के लिए दूसरी बार टिकट दिलाया है, तो इसलिए उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। और हमारे जो कार्यकर्ता आज यहाँ आए, उनकी भूमिका चुनाव में क्या रहेगी, वो क्या काम संभालेंगे, उनको क्या करना है, ये बतलाने के लिए आज के हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है और बैठक ली है। पार्टी ने निर्णय कर लिया, सांसद का चुनाव लड़ रहे, तय हो गया है। अब हमको क्या करना है कि भाई जैसे वोट बढ़ाना है तो वोट कैसे बढ़ाएंगे, हमारी भूमिका उस दिन क्या रहेगी, चुनाव वाले दिन हम सुबह से लेकर शाम तक जिस बूथ पर रहें तो वो हमको लिख के देंगे मैं इस बूथ पर रहूँगा, तो वहाँ पर रहकर एक एक वोट डलाने का कार्य करें, यही कार्य मैंने, और ये अभी चर्चा होगी तो मोदी जी और शंकर भैया ने जैसे इतने काम किए हैं, उस चर्चा में उन बातों को बतलाना कि भाई कि आज शंकर भैया ने इंदौर जो चारों तरफ चौमुखी प्रगति कर रहा है तो क्या काम उनने किया है, इस बात को जनता तक पहुंचाना, इसको लेके आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अहिल्या उत्सव समिति और महानगर विकास परिषद ने इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को जीतने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि चुनावी दंगल में भाजपा प्रत्याशी क्या कमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।